ही डिस्काउंट कर दिया था क्योंकि वो उसमें डिफरेंट फ्लॉस थे जो कि मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद द बॉडी टाइप थ्योरी, जो कि हमारे पास विलियम शेल्डन की थ्योरी है. हंसी प्लीज स्लाइड चेंज कर दें. अब जो बॉडी टाइप थ्योरी है उसमें विलियम शेल्डन ने क्या कहा कि हमारे उसने ये कहा कि हमारे पास तीन बॉडी टाइप्स होती हैं. ठीक है, एक एक्टोमॉर्फ है, एक मीजोमॉर्फ है और एक एंडोमॉर्फ. ठीक है, एक्टोमॉर्फ हमारे पास कौन सा होता है कि बहुत थिन एंड फ्रेजाइल सा होता है. ठीक है, विलियम शेल्डन कहता है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, रिस्ट्रेन रहते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत इनकी नहीं होती. ठीक है, और एंडोमॉर्फिक जो है वो हमारे पास, वो अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डन, वो जो वो बहुत सोशल होते हैं और रिलैक्स होते हैं, फैट एंड सॉफ्ट. ये उसके ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स उसने ये ये थ्योरी दी थी. और एक था मीजोमॉर्फिक. मीजोमॉर्फिक अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डन वो ये था कि वो बहुत मस्कुलर और हार्ड किस्म का होता है, वो बहुत एग्रेसिव इन नेचर, आउटगोइंग इन नेचर होता है. तो अकॉर्डिंग टू शेल्डन मीजोमॉर्फ जो था तो वो जो होता था, ज्यादातर मीजोमॉर्फिक लोग जो होते थे वो क्रिमिनल्स थे. और ये जो था ये विलियम शेल्डन की ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टाइप उसने ये थ्योरी दी थी कि हमारे पास मीजोमॉर्फिक लोग जो होते हैं वो ज्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं, या जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ज्यादातर मीजोमॉर्फिक होते हैं. ठीक है, लेकिन उसकी ये थ्योरी जो थी ये भी इस वजह से गलत थी क्योंकि हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते थे. इस थ्योरी को हम एब्सोल्युटली किसी चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते थे. क्योंकि रीजन उसका ये था कि हमारे पास डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग होते हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लोग होते हैं. अब हर जगह के लोग, अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो कि फॉर एग्जांपल अफ्रीकन्स हैं, ठीक है, तो क्या उनमें अगर जो एक्टोमॉर्फ्स हैं तो वो ज्यादातर वो लोग लंबे लंबे होते हैं. ठीक है, एक्टोमॉर्फ्स होते हैं ज्यादातर, तो क्या वो हमारे पास क्रिमिनल, उनमें क्राइम नहीं होता हर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, हर सोसाइटी में, हर जगह पे क्राइम्स होते हैं. तो जरूरी नहीं है कि जो एक्टोमॉर्फ होगा तो वो क्रिमिनल नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शेल्डन जो एक्टोमॉर्फ था तो हमारे पास लीस्ट लाइकली टू बी अ क्रिमिनल था. तो बहुत से लोग ऐसे भी क्रिमिनल्स थे जो कि एक्टोमॉर्फिक थे, बहुत से मीजोमॉर्फिक जो थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो एथलीट है, तो वो भी बहुत मस्कुलर सा होगा, उसकी मीजोमॉर्फिक बॉडी होगी. तो जरूरी तो नहीं है कि अब वो उसकी मीजोमॉर्फिक बॉडी है तो वो क्रिमिनल है. नहीं, वो तो एथलीट भी हो सकता है, वो कोई ऐसा, उसका काम भी ऐसा हो सकता है कि उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो तो वो मीजोमॉर्फिक हो. इसी तरह एंडोमॉर्फ्स जो हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं लेकिन वो क्रिमिनल्स होते हैं. वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होते हैं उसमें जो ब्रेन होता है वो वैसे लोग होते हैं. तो अब उसके ऊपर तो हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते थे. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, तो ये विलियम शेल्डन की बॉडी टाइप थ्योरी थी. अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है द एक्स वाई थ्योरी या द वाई क्रोमोसोम थ्योरी. हसीद प्लीज स्लाइड चेंज करें. जो द वाई क्रोमोसोम थ्योरी थी उसमें ये इनका कहना ये था कि क्रिमिनलिटी जो होती है वो जीन्स में होती है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनमें एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है. ठीक है, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल में हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है. द एक्स वाई क्रोमोसोम जो अब मेल में है, ठीक है, तो अगर उसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ गया, एक्स वाई वाई हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो हमारे पास क्रिमिनल होता था. ठीक है, अब विमेन में तो हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम ही है फीमेल्स में, ठीक है, और मेल्स में वाई क्रोमोसोम हमारे पास होता है. ठीक है, चले हमने मान लिया कि एक्स वाई वाई क्रोमोसोम वाला जो बंदा है तो वो क्रिमिनल है, हर बंदा वो क्रिमिनल है, हम ये भी मान लें. तो फिर पहले तो ये मानने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनमें अगर ये कॉम्बिनेशन भी था तो भी वो लोग क्राइम कमिट नहीं कर रहे थे. लेकिन अगर हम इस बात को छोड़ के इस बात पे भी देखें कि फीमेल में हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और मेन में एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो विमेन में तो हमारे पास एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम नहीं आ सकता ना,
उसमें तो फिर वो उसके जो जेनेटिक मेकअप है वो तो सारा ही चेंज हो जाएगा. तो इसका क्या मतलब कि विमेन जो है तो वो क्राइम्स नहीं कमिट करती. तो ये थ्योरी इस वजह से इसमें ये लूप होल्स थे कि ये इस चीज को इसने एड्रेस ही नहीं किया था कि फिर विमेन जो हमारे पास क्राइम क्रिमिनल्स होती हैं तो फिर उनमें कौन सा क्रोमोसोम हमारे पास होता है. ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट थ्योरी. नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनल इम्बैलेंस थ्योरी. ठीक है. अब इस थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स जिन्होंने ये प्रपोज की थी वो ये कहते हैं कि इस क्राइम हमारे पास होता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस. ठीक है. और क्रिमिनल्स जो होते हैं तो उनका एक स्लो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और इम्बैलेंस लेवल्स ऑफ एड्रेनलिन एंड टेस्टोस्टेरोन होता है. ठीक है. अब ये जो हमारे पास हार्मोन्स है एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है मेन में. ठीक है. और ये जब वो प्यूबर्टी की एज को हिट करते हैं तो उस टाइम पे व्हेन दे हिट प्यूबर्टी तो तब ये में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डिटरमिन करता है. ठीक है. अब ये इस थ्योरी के जो प्रपोज जिन्होंने किए वो ये कहते हैं कि अच्छा जो टेस्टोस्टेरोन होता है तो उसके एबनॉर्मल लेवल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो यंग लोग यंग लड़के हैं उनमें क्रिमिनलिटी की तरफ उनका बहुत वो उनमें क्रिमिनल टेंडेंसी बहुत होती है इस वजह से क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा होता है उस टाइम पे. तो उसकी वजह से एक वो हो गया, एक एड्रेनलिन रश कहते हैं उसको हम. एड्रेनलिन रश ये होता है कि यू गेट एक्साइटेड फॉर समथिंग. ठीक है. तो आप में वो एड्रेनलिन रश होता है, आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है. ठीक है. या फिर आप कोई ऐसा थ्रिलिंग काम कर रहे हो तो वो एक टाइम पे आपको फील होता है कि आपके हाथ पांव से बिल्कुल कहते हैं हम के जान निकल रही है, वो एड्रेनलिन रश होता है बेसिकली. तो वो चीज होती है. तो इनका कहना ये है कि यंग एज में जो होता है तो ये बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश भी होता है, इनको टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है तो इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स रिलीज हो रहते हैं. ये भी होता है जब वो कोई ऐसा काम कर लें कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने कोई चीज कोई काम गलत कर दिया. ठीक है. लेकिन वो बोस्ट कर रहे अपने फ्रेंड्स के सामने के यार मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, और सब उसको बहुत ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं तो सेरोटोनिन रिलीज उसको और उसका डोपामिन रिलीज हो रहा है. वो बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने बहुत कोई अच्छा काम किया है और उसके ब्रेन को ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि तुमने मतलब उसमें शुगर रिलीज हो रही है. तो ये सारा साइंटिफिक काम है तो यही हो रहा होता है उसमें. तो वो कह रहे हैं कि इस वजह से उस वो जो टेम्पररी फीलिंग है उसकी वजह से लोग क्राइम्स कमिट करते हैं. ठीक है. लेकिन दिस इज नॉट ट्रू. इसको मतलब इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट लेकिन हम इसको होली सोली इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से लोग मतलब एवरीबॉडी हिट्स प्यूबर्टी एट अ सर्टेन टाइम ऑफ देयर लाइफ. लेकिन हर कोई तो क्रिमिनल नहीं होता. इसके अलावा जो ये हॉर्मोन्स जो होते हैं तो वो तो एड्रेनलिन तो डिफरेंट टाइम्स पे आपके पास रिलीज हो रहते हैं, उसके लेवल्स तो अप एंड डाउन जाते रहते हैं. तो क्या लोग क्रिमिनलिटी की तरफ जाते हैं? तो फिर इस थ्योरी में ये ड्रॉबैक था. अभी तक हमने बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म में सेजर लैम्ब्रोसो की थ्योरी पढ़ी. ठीक है. जो उसको वो डार्विन की थ्योरी से उसको सपोर्ट कर रहा था. फिर हमने बॉडी टाइप थ्योरी पढ़ी. उसके अलावा हमने दी एक्स वाई थ्योरी पढ़ी या द वाई क्रोमोसोम थ्योरी जो हम इसको कहते हैं वो हमने पढ़ी. और उसके बाद हमने हार्मोनल इम्बैलेंसेस इम्बैलेंस थ्योरी पढ़ी. इनके शॉर्टकमिंग्स भी हमने पढ़े. तो ये हो गए हमारे पास बायोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट या बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म व्हिच इज अ सब ब्रांच ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट. यहाँ तक समझ आ गई है? हाँ जी जी ठीक है. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल पॉजिटिविज्म या साइकोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट. यहाँ पे आप में से कोई है जिसने साइकोलॉजी पढ़ी हो? एनीवन? अच्छा चलें इसको हम आगे पढ़ते हैं. अभी साइकोलॉजिकल पॉजिटिविज्म में क्या था, जैसे हमने बायोलॉजिकल पॉजिटिविज्म में पढ़ा इसमें भी यही होता है हमारे पास पर्पस कि हमने जो क्राइम की ओरिजिन है और क्रिमिनल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है. ठीक है. लेकिन इसको अब हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं. अब इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम क्या है वो ये
ये कहते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले कि क्रिमिनलिटी और क्रिमिनल बिहेवियर जो है ये हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब पहली थ्योरी हमारे पास है साइको एनालिटिक थ्योरी। हसी प्लीज स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा, अब साइको एनालिटिक थ्योरी है हमारे पास। साइको एनालिटिक थ्योरी जो है हमारे पास ये सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है, और इसमें जो है तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, इड, सुपर ईगो एंड ईगो, ठीक है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, वो मैंने इसमें शायद ऐड नहीं की। हमारे पास ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको ये इड, सुपर ईगो और ईगो समझ आ जाएगी। हमारे पास ह्यूमन माइंड जो है, ठीक है, उसके तीन लेवल्स हैं। लेवल वन जो हमारे पास है वो है कॉन्शियस माइंड, लेवल टू जो हमारे पास है वो है सब कॉन्शियस माइंड, और लेवल थ्री जो हमारे पास है वो है अनकॉन्शियस माइंड। लेवल वन कॉन्शियस माइंड जो है वो तो हम सबको पता है कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो एक्टिवली आपके पास काम कर रहा होता है, ठीक है। आप हम कहते हैं ना कि शी स्पीक्स हर माइंड, तो वो यही होता है कि जो उस टाइम पे वो सोच रहा है वो बोल भी रहा है, ठीक है। अब सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम नींद बेहोशी की हालत में या इस तरह वो सो रहे हो तो वो सब कॉन्शियस होता है, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड हमारे पास वो भी होता है जो हमारी कुछ बातें होती हैं कि हमें याद रह जाती हैं, हमारे हम कहते हैं ना कि हमारे लाशौर में ये बातें हैं, तो वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। और एक हमारे पास अनकॉन्शियस सॉरी वो लाशौर जो है वो अनकॉन्शियस माइंड है, लेवल थ्री जो है हमारे पास। अब अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे माइंड का वो पार्ट है ना जो कि बर्थ से हमारे पास फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ये होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक प्लेजर सीकिंग वर्ल्ड इसने बनाई होती है, ये हमारे पास वो प्लेजर सीकिंग वर्ल्ड है, ठीक है। अब ये जो थे इसको हम जैसे कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जो सब अनकॉन्शियस माइंड है इसको हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं, ठीक है। तो जब उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं तो वो जो बोल रहा होता है दैट इज हिज अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसके अलावा जो स्लिप ऑफ टंग होता है, ठीक है, वो कभी कभी हम जब स्लिप ऑफ टंग होते हैं वो ऐसे होता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है ना वो हम बोल देते हैं। अच्छा, इसको फ्रूडियन स्लिप भी कहते हैं, जो सिगमंड फ्रूड है उसकी फ्रूडियन स्लिप वही होता है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग जो होती है। अच्छा, ये अनकॉन्शियस माइंड हो गए, ठीक है, जिसको हम एक्सेस करते हैं थ्रू हिप्नोटाइजेशन, और वो हमारे पास एक प्लेजर सीकिंग वर्ल्ड है, ठीक है। अब हम आते हैं जो सिगमंड फ्रूड ने हमें बताया कि इड है, सुपर ईगो है और ईगो है, ये हमारे पास पर्सनालिटी के तीन पार्ट्स हैं। अब इड क्या है, हसीब स्लाइड चेंज कर दें प्लीज। इड जो है ये हमारे पास वो चीजें होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिप्नोटाइजेशन। अब अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे पास है उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एडवर्ट टीवी प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारी एक्चुअल डिजायर्स होती हैं या जो वाइल्ड डिजायर्स, वो वाइल्ड फैंटेसीज, एक्चुअल मोटिव्स हमारे पास होते हैं वो सारे इसमें होते हैं, इड में, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करता है कि हमारी जितनी बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ड्राइव्स है ना ये वो इसमें होती है, और ये हमारे पास जो है तो फैंटेसी और रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। जैसे हमने कहा कि वो अनकॉन्शियस माइंड हमारे पास एक प्लेजर सीकिंग वर्ल्ड है, ये भी हमारे पास उसी तरह है, और दिस इज व्हाट वी एक्चुअली आर। इट जो है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्चुअली आर, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इड हमारे पास एंटी सोशल है, ठीक है, और इसकी एंड इट नोज नो बाउंड्रीज, ठीक है। इफ द इड इज लेफ्ट अनचेक्ड इट विल डिस्ट्रॉय द पर्सन। इड हमारे पास एक एक्सट्रीम पार्ट है, ठीक है, एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम है, और सुपर ईगो हमारे पास एक दूसरी एक्सट्रीम है। इड हमारे पास क्या है, वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है,
ठीक है, उसमें वाइल्ड या एक्चुअल डिजायर्स जो हमारी होती हैं वो होती हैं, मोटिव्स हमारे एक्चुअल मोटिव्स वो होते हैं, ठीक है। अब इसका ये है ना कि अगर इड आपका जो है वो ऐसा है कि वो फैंटेसी और रियलिटी में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उसको आपने अनचेक छोड़ा तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता आपको, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम हो गई। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, वो है सुपर ईगो। चेंज स्लाइड प्लीज। सुपर ईगो हमारे पास क्या होता है, सुपर ईगो जो है ये हमारे पास जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है ना, जो हमने कहा था कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होते हैं, आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये बेसिकली वो होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ईगो से डेवलप हुआ होता है, सुपर ईगो इज डेवलप फ्रॉम ईगो, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली मॉरल कोड होता है पूरा, ठीक है, जिसमें हमने नॉर्म्स और वैल्यूज सोसाइटी की हैं, ये वो हमारे पास सुपर ईगो है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास, हमारे माइंड में हमारी हमारी पर्सनालिटी का ये पार्ट है जो हमें गिल्ट की फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारे पास सुपर ईगो की वजह से होती हैं, शेम की फीलिंग्स होती है वो हमारे पास सुपर ईगो की वजह से होती है, ठीक है। अब एक एक्सट्रीम हमारे पास इड हो गई, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड है, एक एंटी सोशल पार्ट है, और वो उस ही एंड इट नोज नो बाउंड्रीज, ठीक है। एक हमारे पास सुपर ईगो है जिसमें हमारे पास इस तरह के इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, गिल्ट के, शेम के, ठीक है, मॉरल एक्सपेक्टेशंस जो हैं हमसे उसके बारे में। अब आता है ईगो, ठीक है, ईगो वो पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का जो कि सारी दुनिया को अपेरेंट है, ठीक है, अपेरेंटली जो हम हैं दैट इज ईगो। अब ईगो जो है ये हमारे पास आता है इड से, ठीक है, ईगो आता है इड से, बेसिकली इड से बनता है ईगो और फिर ईगो से बनता है सुपर ईगो, तो इन बिटवीन हमारे पास ईगो ईगो है, ठीक है। अब जो ईगो है ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ईगो, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ईगो। अब ये क्या करता है, ये रियलिटी के साथ डील करता है और उसको फैंटेसी से डिफ्रेंशिएट करता है, व्हिच इज टोटली ऑपोजिट टू इड। इड जो है वो हमारे पास रियलिटी और फैंटेसी में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकता, जबकि ईगो जो है वो हमारे पास रियलिटी और फैंटेसीज में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। जो ईगो है ये हमारे पास बेसिकली जो फलक्रम पॉइंट होता है ना, जैसे सीसॉ है, एक एक साइड पे इड है, एक साइड पे सुपर ईगो है, दरमियान में जो उसका फलक्रम पॉइंट है वो ईगो है, वो उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अगर ये इम्बैलेंस थोड़ा सा भी हो जाए, ठीक है, ये मॉरल पुलिसमैन है इनके दरमियान में, इड और सुपर ईगो के दरमियान में, ठीक है, इन दोनों को ये बैलेंस करता है। इन तीनों चीजों की समझ आ गई, इड, सुपर ईगो और ईगो की। जी। अच्छा लाइबा, एक बात मैं बता दूं, पूछ रहा हूँ बल्कि कि मैं सही समझा हूँ कि नहीं। जो ईगो है, ईगो ये बिल्कुल मिडल मैन है, ठीक है। इट के बाद इट का एक एक्सट्रीम हो गया सुपर ईगो, दूसरा एक्सट्रीम हो गया इट जो है वो मतलब फैंटेसी है। अगर वो मतलब कम्प्लीटली डिवेलप ना हो तब भी क्राइम कमिट होगा, और जो सुपर ईगो है वो भी मतलब वो अपने ऊपर चीजें हावी कर ले बंदा आपका, वो एक किस्म से मतलब जो इड है वो पूरा का पूरा डिवेलप हो जाए और फिर ओवर डिवेलप हो जाए तो ये सुपर ईगो बन जाता है। ये मैं मतलब सही समझ रहा हूँ इन चीजों को? और ईगो जो है वो मिड पॉइंट है इन दोनों को, मतलब हाँ जी कंट्रोल बिल्कुल, करने के लिए ये फिर ईगो आ जाता है बीच में। यही है, एग्जैक्टली यही है। इट जो है वो हमारे पास एक एक्सट्रीम है जो कि बिल्कुल फैंटेसीज में है, उसको अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं है, ठीक है। और इसको और जो दूसरा है सुपर ईगो, वो हमारे पास बिल्कुल ही गिल्ट और शेम और उन चीजों में वो फीलिंग्स उसमें होती हैं, ठीक है। और उस जो मॉरल कोड है वो ये है, ठीक है। एक तरफ इड है जिसको किसी बाउंड्रीज का पता नहीं है, एक तरफ सुपर ईगो है जो कि मॉरल कोड के ऊपर सारा बेस्ड है, और दरमियान में ईगो है जो दोनों को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब जो सिगमंड फ्रूड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी है ना, वो ये कहती है कि जो हमारे पास मेंटली हेल्दी लोग हैं ना,
उनमें ये पर्सनालिटी के तीनों जो पार्ट्स हैं ना, ये एक साथ काम कर रहे होते हैं। इनमें से ये जो उनमें क्या होता है कि जो ईगो होता है उसने इड और सुपर ईगो को बैलेंस किया हुआ होता है, ठीक है, कि एक बंदे में गिल्ट और शेम की जो फीलिंग्स है वो भी बरकरार रहे, ठीक है, और उसका जो इड है वो भी, उसके ऊपर भी एक चेक रहे, ठीक है। जब ये तीनों पार्ट्स एक साथ होंगे तो वो बंदा जो है वो मेंटली स्टेबल होगा, मेंटली हेल्दी होगा। लेकिन अगर इन तीनों पार्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि सारा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपका इड जो है, लेट्स फॉर इंस्टेंस इड आपका, उसमें क्रिमिनल टेंडेंसी है, इड को तो बाउंड्रीज का कुछ नहीं पता, वो कहे कि मुझे एक वेल्दी पर्सन बनना है, ठीक है, और मुझे इस या उसके लिए मुझे जो रास्ता मैं अपनाना चाहूँ मैं अपना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो जो है, यानी उस बंद वो बंदा सोच ये रहा है लेकिन उसके अंदर वो गिल्ट की फीलिंग्स नहीं आ रही उतनी कि नहीं तुम ऐसे मत करो, ये इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके ऊपर वो फीलिंग्स नहीं आ रहे, मतलब उसका इड जो है वो उसकी सुपर ईगो के ऊपर हावी हो रहा है, जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो बंदा क्राइम कमिट कर लेगा क्योंकि उसको गिल्ट नहीं है उस चीज का, ठीक है, उसका वो उसने माइंड बना लिया है कि मैंने ये काम करना है, और उसका जो वो जमीर है वो उसको मलामत नहीं कर रहा उसके ऊपर कि तुमने ये नहीं करना, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो क्राइम कमिट कर देता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि वो जो इन तीनों चीजों का बैलेंस था वो बिगड़ गया, तो उसने वो क्राइम कमिट कर लिया, ठीक है। यही सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है कि जो तीनों पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी है ये एक साथ काम करेंगे तो मेंटली लोग हेल्दी होंगे, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं उनमें मेन मसला ये होता है कि उनके ये तीनों पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी एक साथ काम नहीं कर रहे होते, इनका बैलेंस बिगड़ गया होता है। समझ आ गई इस चीज की? जी जी आ गई है समझ। चलें ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास साइको एनालिटिक थ्योरी। अब इसके बाद ये साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ मैम, थॉट या साइकोलॉजिकल, एक्सक्यूज मी जी, मैम, ये आपने जो बात की है तीन पार्ट्स की ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इसमें आप किस तरह रिलेट करेगी इन तीनों को? मतलब इड को और सुपर ईगो और ईगो को एग्जांपल के साथ क्या आप कर सकती है काइंडली, तो बेहतर होगा। ये मैंने आपको बताया कि वो लेवल्स थे माइंड के, ठीक है, और ये पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है। अब इड जो है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये उन चीजों से मिलकर बना है जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, ठीक है, अपेरेंटली वो लोगों को पता नहीं होता, वो जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं वो हमने उसमें भी पढ़ा कि वो एक प्लेजर सीकिंग वर्ल्ड है, तो इड है वो उसका पार्ट है, इसके साथ उसको कनेक्ट किया है। समझ आएगी आपको अभी? जी हेलो, तकरीबन नहीं अगर आपको समझ नहीं है तो मैं समझा देती हूँ। इड का ताल्लुक जो है ना, वो मतलब डिजायर से है, नीड से है, और जो सुपर ईगो है वो मतलब ये एक मोरेलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, कि आप मोरेलिटी के किस स्टेज के ऊपर हैं। हामिद, अब लग रही है? जी जी बिल्कुल, ओके, थैंक यू। हसीब भाई, हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, आपने अभी बात की है कि हमारे पास जो ये सुपर ईगो होती है ना, ये एक्सट्रीम लेवल पे होती है, तो उस मुताबिक तो फिर वो अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि वो जमीर को मलामत भी करती है ना एक किस्म के। नहीं, नहीं, सही बात है, देखें गिल्ट और शेम की फीलिंग्स तो ठीक है, लेकिन अगर वो बैलेंस उसका बिगड़ ही जाए, ठीक है, वो उसको बिल्कुल शेम कर ही नहीं रहा, तो बैलेंस तो बिगड़ गया ना उसका, या फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया कि वो अपने आप को हर बात पे वो अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है, हर चीज के लिए अपने आप को हर चीज के लिए शेम कर रहा होता है, ठीक है, तो वो मेंटली हेल्दी तो वो बंदा नहीं हुआ ना,
अपने आप को हर चीज के लिए जिम्मेदार समझ रहा है, ठीक है, तो ये तो मेंटली हेल्दी लोगों की निशानी नहीं है ना। जी जी ठीक, थैंक यू। आपको मतलब क्राइम क्यों करेगा अगर वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है तो वो खुद को ही। हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? आप अभी बताएं, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है। रही थी कि अगर एक बंदे में गिल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्राइम नहीं कर, मतलब नहीं, वो तो खुद को नुकसान पहुंचाता है ना, तो ये एक अलग चीज हो गई। अगर वो सुसाइड की तरफ जाता है तो वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल यही बात है, लेकिन इसमें ये है कि अगर वो उसकी दो चीजें ना, या तो वो उसको विद इन नॉर्मल लिमिट्स उसको बता रहा है कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, इट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, रिस्ट्रेन कर रहा है सुपर ईगो आपका, कि ये गिल्टी, वो ये उसको गिल्ट दिला रहा है, उसको शेम वो फीलिंग्स उसकी हैं, ठीक है, तो वो क्राइम कमिट नहीं करेगा, वो गलत काम नहीं करेगा, डिवियंस की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, ये हम कह रहे हैं कि एक हेल्दी माइंडेड पर्सन के लिए, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं कि जिसमें इंसान अपने आप को हर चीज का जिम्मेदार समझ रहा होता है, ठीक है, और उसको लगता है कि आई एम द बैड वन आउट देयर और मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह के भी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो वो जो होता है ये मेंटल, जो आपके पास हेल्दी माइंडेड लोग हैं उनकी तो ये निशानी नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रही थी। अच्छा, और इस थ्योरी के लिमिटेशन है या फिर ड्रॉबैक्स? जी, इस थ्योरी की लिमिटेशन है या ड्रॉबैक्स की? साइको एनालिटिक थ्योरी की? जी जी, साइको एनालिटिक थ्योरी में हमने ये कहा कि इसको बैलेंस आउट करता है, तो इसकी तो मैंने अभी तक ये जब मैंने पढ़ा साइको एनालिटिक थ्योरी, तो हमने ये देखा कि इसमें डिफरेंट लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे पास जो ये बैलेंस है ये अगर बिगड़ जाए तो ऑब्वियसली दे गो टूवर्ड्स द क्रिमिनल। हेलो, आवाज आ रही है? सिर्फ नहीं आ रही हमें। अच्छा, बस उनकी आवाज पर शायद गायब हो गई और डिस्कनेक्ट हो गई। सॉरी, वो इंटरनेट के साथ कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे मेंटल इलनेस के बारे में, ठीक है। मेंटल इलनेस में क्या है कि मेंटल इलनेस जो ये थ्योरी है ये कहती है कि हमारे पास जो ज्यादातर नहीं, मतलब क्रिमिनल्स जो हैं हमारे पास, उनमें जो क्रिमिनल बिहेवियर का कॉज है वो मेंटल इलनेस हो सकती है, ठीक है। अब एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है कि वो हमारे पास डेविएंट एंटी सोशल बिहेवियर जो है, हम डेविएंट बिहेवियर को एंटी सोशल बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। अब एंटी सोशल बिहेवियर है उस बंदे का, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको, तो वो मेंटली स्टेबल नहीं है, ही इज नॉट इन हिज स्टेट ऑफ माइंड, और वो गलत काम कर रहा है, वो डिवियंस की तरफ जा रहा है, तो वो अगर वो सेकेंडरी डिवियंस की तरफ गया तो मतलब वो उसका पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाएगा वो डिवियंट एक्ट्स करना, और अल्टीमेटली वो एक क्रिमिनल बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं, जिसको हम नॉर्मल उसमें कहते हैं कि ये तो पागल हो गए हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो अक्सर जो सीरियल किलर्स होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, हमने डिफरेंट मूवीज में भी देखा होगा, तो वो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट द एब्सोल्यूट कॉज ऑफ क्राइम, इट इज वन ऑफ द कॉजेज, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ क्राइम्स इन डिफरेंट सेटअप्स, ठीक है। ये हम जितनी थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे पास एक भी थ्योरी एब्सोल्युटली वो अप्लाई नहीं होती उस चीज के ऊपर, ठीक है, कि ये
ये वाहिद कॉज है इसका या एब्सोल्यूट कॉज है इसका क्राइम का, लेकिन हर थ्योरी जो है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है तो वो हम लेके हमारे पास वो क्रिमिनल क्राइम के जो कॉजेशन है ठीक है उसको, इसके लिए डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर ये हो सकते हैं ठीक है. अब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, ये भी हमारे पास जो जो क्रिमिनल्स हमारे पास अक्सर रिपोर्ट होते हैं जिनकी मेंटल इलनेस होती है उनमें ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है. मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये होता है कि वो जो होता ये जो पेशेंट होता है ये समझता इसकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं ठीक है, कभी वो एक पर्सनालिटी को स्विच कर देता है कभी दूसरी पर्सनालिटी को स्विच कर देता है और वो उस पर्सनालिटी में बिल्कुल उस कैरेक्टर में कम्प्लीटली आ जाता है तो उसको फिर अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती क्योंकि वो अपने वो एक हेल्दी माइंडेड पर्सन ही नहीं है. तो ऐसे क्रिमिनल्स जो होते हैं इनको अक्सर हम अक्सर जो कोर्ट होती है फिर उसको वो हॉस्पिटल्स में भिजवा देती है ठीक है, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं होते, उन्होंने वो जो काम किया होता है जो क्राइम उन्होंने किया होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मेंटल स्टेट पे आती है उन, क्योंकि वो मेंस रियाज होता है ठीक है गिल्टी माइंड. अब वो बंदा है उसका माइंड उसका दिमाग ही ठीक नहीं है, उसको एक दिमाग की बीमारी है तो फिर वो कैसे उसने वो क्राइम कमिट किया होगा. ऑब्वियसली द डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर वाज द डिजीज और अगर उसका क्योर हो जाए ठीक है उसकी प्रिवेंशन क्योर हो जाए तो हमारे पास वो रिहैबिलिटेशन उसकी हो जाएगी क्रिमिनल की. और अगर इससे ये भी पता चलता है हमें कि इन द अर्ली स्टेजेस अगर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाए किसी में ऐसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया या एंटी सोशल पर्सनालिटी, जरूरी नहीं है कि हर वो पेशेंट जो है वो क्रिमिनल बन जाए आगे जाकर, लेकिन हमें प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेने होंगे ठीक है. अब वो प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम जितनी इनिशियल स्टेजेस पे ले लें तो उतना उस इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा है जो पेशेंट है और उतना ही वो सोसाइटी जो है उसके लिए भी अच्छा है ठीक है. अच्छा अब इन दोनों जो साइकोलॉजिकल पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है तो इसमें ये मैं आपको बता दूं कि फिर जब साइकोलॉजिस्ट जो था तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पर्सनालिटी पैटर्न्स का हमें बताया कि डिवियंस के साथ इनका क्या कनेक्शन है ठीक है. लेकिन अभी हमारे पास जो रिसेंट स्टडीज जो हुई है उसमें ये कहते हैं कि जो हमारे पास कुछ सीरियल किलर्स जो होते हैं वो बिल्कुल साइकोपैथ्स होते हैं ठीक है, उनको कोई फीलिंग ऑफ गिल्ट या शेम होता ही नहीं है और ना उनको फियर ऑफ पनिशमेंट होता है, यानी उनका जो सुपर ईगो होता है उसमें कोई वो सिरे से उनका बिल्कुल वो बैलेंस इतना डिस्टर्ब हुआ होता है कि उनको लगता ही नहीं है कि हमने कोई गलत काम किया हुआ है ठीक है. तो एक तो उनको मेंटल डिसऑर्डर भी हो गया साथ में, एक तो वो हेल्दी ऑलरेडी नहीं थे या तो वो लोग हैं और या वो लोग हैं जिनका ईगो उनको सुपर ईगो उनको मलामत ही नहीं कर रहा ठीक है. लेकिन इसके बावजूद अगर हम साइको एनालिटिक थ्योरी को एक साइड पे रख के हम जो साइकोलॉजिकल पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में तो हमने यही पढ़ा कि साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं हमारे पास हर क्राइम को, लेकिन हमारे पास ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं जो कि उनको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता, उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता लेकिन वो फिर भी क्रिमिनल्स होते हैं. तो एब्सोल्युटली कोई भी हमारे पास थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं करती किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए. हर थ्योरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई होती है. यहाँ तक आपको समझ आ गई है? अच्छा अब ऐसे कर लेते हैं कि एक 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं तो फिर इसके बाद सिर्फ सोशियोलॉजिकल पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट रहता है, फिर हम वो करके बस ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं.